हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 211 से 220 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए नीचे दिए हुए गूगल ड्राइव के लिंक से आप एक्सेस कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 211 है, इन द सिंप्लीफाइड डिजाइन ऑफ एंगल एरन पर्लिन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस वुड नॉट बी वैलिड। तो यहां पर पर्लिन मैंने दिखाई हुई है। दीज क्रॉस सेक्शन, जो चैनल सेक्शन आपको दिख रहे हैं, एक ट्रस का क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया हुआ है, इन्हें हम पर्लिन कहते हैं। जो पर्लिन्स होती हैं हमारी, ये हमारी बीम्स होती हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ट्रसेस के ऊपर टू सपोर्ट द रूफिंग। एंड जो हमारी रूफ शीटिंग हम सपोर्ट कर रहे हैं, इन पर्लिन्स के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि दे आर प्लेस्ड इन टिल्टेड पोजिशन ओवर द ट्रसेस। जो हमारा प्रिंसिपल रैफ्टर है, दिस इज द डॉटेड से आपको जो मेंबर दिख रहा है, इसे हम ट्रस का प्रिंसिपल रैफ्टर बोलते हैं, जिसके ऊपर पर्लिन्स को सपोर्ट किया जाता है। और अजम्पशन हमारा ये रहता है, फॉर द आई सेक्शन, चैनल सेक्शन या एंगल सेक्शन, जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें आई सेक्शन और चैनल सेक्शन के लिए हमारी जो विंड फोर्सेस हैं, जो कि एच वन से डोनोट कर रहे हैं, वो हमारी परपेंडिकुलर टू जो स्लोप है हमारा, दिस इज द स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस, उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। और जो हमारा ग्रेविटी लोड्स है, मतलब जो हमारा डेड लोड्स है, जो हमारा शीटिंग का वेट है, जो हमारा सेक्शन का खुद का वेट है, दैट इज पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। लेकिन जो हमारा एंगल पर्लिन जब हम प्रोवाइड करते हैं, उस केस में हमारे दोनों फोर्सेज, जो हमारी विंड फोर्सेज हैं और जो हमारी ग्रेविटी लोड्स हैं, दोनों ही हमारे परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ रूफ ट्रस हम अज्यूम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा अजम्पशन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जनरली बिकॉज ग्रेविटी लोड्स और विंड फोर्सेस दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि हमारा ट्विस्टिंग, बिकॉज जो हमारा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट विल कॉज द ट्विस्टिंग अलॉन्ग विथ बेंडिंग ऑफ द पर्लिन्स, बिकॉज ये हमारी बीम्स हैं। कोड हमारा ये कहता है कि आप इनको कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह आपको डिजाइन करना है। ध्यान रखना है आपको कि जो आईएस 800 है, वो हमें पर्लिन्स को एज अ कॉन्टिन्यूअस बीम विथ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 10 के लिए डिजाइन करने के लिए कहता है। आप इसे सिंपली सपोर्टेड बीम या हमारा कैंटिलीवर बीम की तरह भी डिजाइन कर सकते हो, बट कॉन्टिन्यूअस बीम एज पर आईएस कोड आपको डिजाइन करना है, ठीक है। बिकॉज ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग हमारी दोनों एक्ट कर रही है हमारे पर्लिन्स में, तो इट इज सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग फेनोमेना, ठीक है। तो अगर अब ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम एंगल सेक्शंस यूज कर रहे हैं पर्लिन में, तो एंगल सेक्शन हमें तभी यूज करना है जो हमारा स्लोप है, दिस इज द स्लोप थीटा, दैट शुड बी लेस देन 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री से कम होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी लेटरल इनस्टेबिलिटी के जो चांसेस हैं हमारे एंगल पर्लिन, बिकॉज दोनों जो भी हमारा सेक्शन है, ये दोनों से अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है, इसकी वजह से हमारी लेटरल इनस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हमारा स्लोप 30 डिग्री से ज्यादा होता है। जो आईएस 800/1984 जो अभी रिसेंट का कोड है, सॉरी आईएस 800/2007, ये हमारा एंगल पर्लिन्स के अबाउट हमारा साइलेंट है, कोई भी डिजाइन प्रोसीजर इस आईएस कोड में नहीं दिया हुआ है, जो हमारी नई गाइडलाइंस है। बट एज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हम ये मानते हैं कि दोनों फोर्सेस हमारी परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, और जो हम बेंडिंग स्ट्रेसेस कॉन्टिन्यूस बीम की तरह जब डिजाइन कर रहे हैं, जो कि हमें लेना है बेंडिंग, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस, दे आर टेकन विदाउट effect of lateral instability, means हमें lateral instability इनकी consider नहीं करना है, because already हमने क्या किया, हमने जो slope है उसको restrict कर दिया कि हमें 30 degree के ऊपर इन्हें provide नहीं करना है, और because already हमारा इसके ऊपर एक roofing sheeting पड़ी हुई है जो कि इसको laterally support कर रही है, it provides supports against lateral buckling, because जो हमारा compression flange है वो हमारा restrained है एक तरीके से फ्रॉम दी रूफिंग, जो उसकी हमारी रूफिंग की शीट पड़ी हुई है उससे। इसलिए क्या करते हैं डिजाइनिंग में, हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को इसके अकाउंट में रिड्यूस नहीं करते हैं। तो अगर हम सारे अब ऑप्शंस देखें जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसमें लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू स्लोप इज कंसिडर्ड, ये बिल्कुल सही है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस इज कंसिडर्ड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज
यहां पर दोनों ही लोड्स हमारे परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द स्लोप एक्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो भी मोमेंट हमें कंसीडर करना है दैट हैज टू बी कंसीडर्ड अलोंग द मेजर एक्सिस ओनली। हम चैनल और आई सेक्शन के केस में MUU एंड MVV दोनों कंसीडर करते हैं बिकॉज वहां पर हमारे जो लोड्स हैं विंड लोड एंड ग्रेविटी लोड्स वो हमारे दोनों एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। इसका एक कंपोनेंट हमारा एक्स पर आ रहा है जिसकी वजह से हमारी ट्विस्टिंग हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, और जो हमारा इस वर्टिकल प्लेन में हमारा लोड एक्ट कर रहा है उसकी वजह से हमारी इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, इस वजह से दोनों हमारा MUU और MVV दोनों हमें कंसीडर करना है। बट वाई जो हमारा एंगल सेक्शन है वहां पर हमारे दोनों लोड्स वर्टिकल प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ, इसलिए हमें माइनर एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट कंसीडर नहीं करना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा बिकॉज यहां पे पूछ रहा है कि इट इज नॉट वैलिड। तो अलाउंस बेंडिंग इज अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस्ड करेक्ट है, स्लोप ऑफ रूफ ट्रस शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के बारे में, यहां पर मैच द फॉलोइंग हमें करनी है। तो मैं जो इसेंट्रिक कनेक्शंस होते हैं उनको यहां ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूं। जो हमारे इसेंट्रिक कनेक्शन होंगे उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, उसमें पहला है हमारा बेसिकली थ्री कैटेगरीज में, पहला है हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्शंस। फ्लेक्सिबल कनेक्शंस को हम शियर कनेक्शंस भी बोलते हैं, जैसा कि नाम ही सजेस्ट ये कर रहा है कि जो हमारा बीम से स्ट्रक्चरल स्टील में जब आप बीम और कॉलम को कनेक्ट करते हो तो जो बीम टू कॉलम कनेक्शन है व्हेन इट इज डिजाइन टू रजिस्ट एंड ट्रांसफर एंड रिएक्शंस ओनली, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कनेक्शन है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा बिकॉज वहां पे कोई भी रिस्ट्रेनिंग मोमेंट हमारा एक्ट नहीं करेगा। जो हमारा कनेक्शन की मोमेंट कैपेसिटी है वो जीरो होगी, ओनली इट इज डिजाइंड फॉर शियर फोर्सेस, इसीलिए इनको शियर कनेक्शंस भी कहते हैं। दूसरा टाइप के हमारे कनेक्शंस कहलाते हैं रिजिड कनेक्शंस। रिजिड कनेक्शंस को हम मोमेंट कनेक्शंस भी बोलते हैं बिकॉज यहां पे इन कनेक्शंस को जो हमारा बीम टू कॉलम कनेक्शन है उसमें हमारे शियर फोर्सेस जो कनेक्शन में जनरेट हो रहे हैं प्लस जो हमारा सेक्शन है वहां पर हमारा रिस्ट्रेनिंग मोमेंट डेवलप होगा अंडर द एक्शन ऑफ लोड, तो उस सेक्शन को हमें उस कनेक्शन को हमें मोमेंट के लिए भी डिजाइन करना होगा। अगर आइडियल रिजिड कनेक्शन देखें तो जो वेल्डेड मोमेंट रजिस्टिंग कनेक्शन होगा दैट इज आइडियल रिजिड कनेक्शन, और इन दोनों के इंटरमीडिएट स्टेज में एक हमारा कनेक्शन होता है जिसे हम सेमी रिजिड कनेक्शन बोलते हैं। सेमी रिजिड कनेक्शन में क्या होता है, हम दोनों एंड मोमेंट्स भी हमारे जनरेट होते हैं बट वहां पे हमारा जो रिलेटिव रोटेशन है वो हमारा होता है, मींस इट परमिट्स रिलेटिव रोटेशन बिटवीन द कॉलम एंड द बीम। यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पे फुली रिस्ट्रेन मोमेंट जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव रोटेशन, कोई भी बीम और कॉलम के बीच में हमारा जो रोटेशन है वो हमारा जीरो है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये हमारे थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जाओगे तो इस तरह के कोई कनेक्शंस हमारे फिजिबल नहीं होते हैं। वी ऑलवेज हैव अ सम डिग्री ऑफ पार्शियल रिस्ट्रेंट इज देयर, जिसे हम सेमी रिजिड या सेमी फ्लेक्सिबल कनेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो सेमी रिजिड कनेक्शंस की अभी मैं एग्जांपल में बात कर लेता हूं। यहां पर जो मैंने सपोज ये कनेक्शन दिखाया इसे हम फ्रेम्ड कनेक्शन बोलते हैं। यहां पर एक हमारा कॉलम है, मान लेते हैं कि दिस इज ISHB कॉलम, आई सेक्शन है, और जो हमारी बीम है वो भी आई सेक्शन। इनको आप कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, एक तरीका ये है कि आप वेब में हमारा एक फ्रेमिंग एंगल का यूज करके रिवेट कर दो या वेल्ड कर दो। तो दीज कनेक्शंस आर फ्रेम्ड कनेक्शन और ये हमारे सेमी रिजिड कनेक्शन होते हैं, और इसीलिए हम इन्हें बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज शियर फोर्सेस के लिए डिजाइन करते हैं एंड दे परमिट रोटेशन। यहां पे हमारा रोटेशन पॉसिबल होता है कुछ एक्सटेंट तक इंस्पाइट कि हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है इस कनेक्शन पर, तो इट परमिट्स रिलेटिव रोटेशन बिटवीन दी टू मेंबर्स। तो यहां पर ये सारे जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं दिस ऑल आर सेमी टाइप सेमी रिजिड कनेक्शन। यहां पर जब आप वेल्डिंग कर दोगे तो देयर आर चांसेस कि
दिस कनेक्शन कैन बी डिजाइंड एज अ रिजिड कनेक्शन, बट एक्चुअल प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज देर इज ऑलवेज अ रोटेशन बिटवीन द बीम एंड कॉलम अंडर द एक्शन ऑफ लोड. बट थ्योरेटिकल हम कंसेप्ट समझने के लिए मान लेते हैं, अगर हम मोमेंट और रोटेशन में ग्राफ ड्रॉ करें, मीन्स जो कनेक्शन है हमारा यहाँ पे ये मान लेते हैं मोमेंट है और अंडर द एक्शन ऑफ लोड ये हमारा जो थीटा डेवलप हो रहा है उसके बीच में ग्राफ है. अगर हमारा फुल मोमेंट, फुल रेस्ट्रेनिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है और हमारा जो रोटेशन है वो हमारा जीरो होता है, तो ये एक वर्टिकल लाइन जो है ये हमारी इंडिकेट करेगी हमारा आइडियली रिजिड कनेक्शन, जिसमें हमारा मोमेंट फुली, इतना मोमेंट डेवलप हो रहा है, रिस्ट्रेनिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कोई भी रिलेटिव रोटेशन परमिटेड नहीं है वहां पर. अगर हम हमारा मोमेंट कैपेसिटी जो है वहां पर जीरो है, मींस सिर्फ शेयर फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, मोमेंट हमारा नहीं जनरेट हो रहा है, तो हमारा इट इज अ आइडियली फ्लेक्सिबल कनेक्शन जहां पर हमारा मैक्सिमम रोटेशन इज पॉसिबल बिटवीन द बीम एंड कॉलम. ठीक है, अब अगर बात करें, दिस इज द रिजिड कनेक्शन एंड दिस इज द फ्लेक्सिबल कनेक्शन. अगर इसको ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दे, दिस इज द फ्लेक्सिबल कनेक्शन, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो. दिस इज रिजिड कनेक्शन जहां पर आपका मोमेंट मोमेंट इज डेवलपिंग टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, लेस देन दिस मैक्सिमम वैल्यू सेट कम हो रहा है, बट हमारा रोटेशन लेस पॉसिबल है. रोटेशन तो हो रहा है बट वेरी लेस रोटेशन इज पॉसिबल, जो कि हमारा जनरली फील्ड में आपको देखने को मिलता है बिकॉज आइडियल रिजिड हमें नहीं मिलेगा. और इसी तरह हमारा जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन होगा वहां पर हमारा मैक्सिमम रोटेशन मिलेगा अंडर स्मॉल मोमेंट्स, बट एक्चुअल में बिकॉज हमारा मोमेंट तो डेवलप होगा ही बिकॉज हमने कनेक्शन रखा हुआ है, तो पार्शली रिस्ट्रेंड टू एटलीस्ट वन डिग्री हमारा रहेगा ही रहेगा, वो मोमेंट हो सकता है या हमारा रोटेशन हो सकता है. और इन दोनों की जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेज है दैट इज सेमी रिजिड कनेक्शन, जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेज बोलेंगे, जिसमें हमारा सफिशियंट मोमेंट, रिस्ट्रेनिंग मोमेंट इज डेवलप्ड एंड सफिशियंट रोटेशन बिटवीन द बीम एंड कॉलम इज डेवलप्ड. उसके बाद हमारा एक कनेक्शन होता है अनस्टिफेंड शीट कनेक्शन एंड स्टिफेंड शीट कनेक्शन. ये मोमेंट भी हमारे जो कनेक्शन हैं ये भी हमारे सेमी रिजिड कनेक्शन की कैटेगरी में आप इसे क्लासीफाई कर सकते हो, जिसमें हमारा एक शीट एंगल कहलाता है जिसको आपको शॉप में ही एंकर करना होता है, मींस रिविट करना होता है, एंड दिस इज द क्लीट एंगल जिसे आप फील्ड में इसको कनेक्ट करते हैं विद द कॉलम. तो दिस इज द अनस्टिफेंड शीट कनेक्शन. स्टिफेंड शीट कनेक्शन में आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टिफनर्स आप शीट एंगल के साथ इसको स्टिफन कर दोगे, एंड जिससे हमारी जो मोमेंट, रिस्ट्रेनिंग मोमेंट है वो हमारी बढ़ जाएगी इन केस ऑफ स्टिफन सीट कनेक्शन. बट दे आर बोथ सेमी रिजिड कनेक्शन बिकॉज वहां पे मोमेंट एंड सम अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी देयर. तो अगर आप मैच द फॉलोइंग में देखेंगे तो हमारा सेमी रिजिड कनेक्शन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज इट अलाउ स्मॉल एंड रोटेशन एंड ट्रांसमिट अप्रिशिएबल मोमेंट, तो ए का टू हो जाएगा. फ्रेम्ड कनेक्शन में देखोगे आप तो फ्रेम्ड कनेक्शन के लिए When a beam is connected to a beam or stanchion, stanchion means it's a steel column by means of two angles riveted to them, जिसे हम framed angles भी बोलते हैं, framing angles भी बोलते हैं. तो ये भी हमारे semi rigid connections में आते हैं. तो B का हमारा 4 हो जाएगा. अब sheeted connections हमारे क्या होंगे, sheeted connection हमारे होंगे when a beam is connected to a beam or stanchion by means of angle at the bottom of the beam which is shop riveted, means shop में rivet करेंगे टू अ बीम एंड एंगल एट द टॉप विच इज फील्ड रिविटेड, जो कि मैंने यहां पर बताया दिस इज द अनस्टिफेंड शीट कनेक्शन एंड दिस इज द स्टिफेंड शीट कनेक्शन, जिसमें हम स्टिफनर्स यूज कर रहे हैं. और जो हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्शन है वहां पर जैसा कि अभी मैंने ग्राफ में बताया, इट परमिट्स वेरी लार्ज एंगल्स ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसमिट नेग्लिजिबल मोमेंट्स, जो कि हमारा फील्ड में आपको नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली. तो ये हमारे फ्लेक्सिबल कनेक्शंस होते हैं. तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेसेस
फुल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कैन बी इंश्योर्ड इफ इट्स मैक्सिमम साइज फॉर स्क्वायर एज इज लिमिटेड टू। तो सबसे पहले यहां पर मैंने दो प्लेट्स ली हैं जिसकी मान लेते हैं कि हमारी थिकनेस इक्वल है, प्लेट वन इज दिस, प्लेट टू इज दिस। तो हमारा जो फिलेट वेल्ड आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको जो मैक्सिमम साइज हमें अलाउड है दैट इज लेस देन जो हमारी मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर है जिसे आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें से आपको 1.5 mm घटा देना है। इट मींस अगर यहां पर 6 mm की आपको प्लेट ज्वाइन करनी थी तो इट मींस मैक्सिमम परमिसिबल साइज जो होगा वो आपका 4.5 mm से ज्यादा साइज ऑफ वेल्ड को यूज नहीं करना है। और साइज ऑफ वेल्ड के लिए आप पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हो जिसमें डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर हमारा स्क्वायर एज होनी चाहिए, जो हमारा एंड होना चाहिए दिस, आपको दिख रहा है दिस इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, दोनों मेंबर्स में जो एज है दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्क्वायर एज का मतलब यही है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम साइज हो गया 4.5 mm और इसका पर्पस ये है कि जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ हमें अचीव करनी है वेल्डेड ज्वाइंट में दैट मे बी डेवलप्ड विदाउट ओवर स्ट्रेसिंग द मेटल। जो भी हमारा मेंबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसमें हमें ओवर स्ट्रेस ना हो और हमारी फुल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, उसकी वजह से हम ये रिस्ट्रिक्शन करते हैं। अगर हमारा इसके केस में स्क्वायर एज की जगह हमारा जो टो है वो राउंड हो, इट मींस राउंड टो का मतलब ये है कि हमारा जो आप यूज कर रहे हो तो दिस इज द राउंड टो, ये राउंडिंग जो है अगर ऐसी है हमारी प्लेट जो आप यूज कर रहे हो कनेक्ट करने में, उस केस में हमारा जो मैक्सिमम साइज है वो आपको यूज करना है 3/4 ऑफ दी थिकनेस ऑफ मेंबर ऑफ सेक्शन एट टो, ये हमारा टो कहलाएगा। इस टो पे जो हमारी थिकनेस है मेंबर की वो आपको यहां पे यूज करना है और उसका 3/4 आपका मैक्सिमम साइज लिमिटेड। इट मींस अगर यहां पे 5 mm, आपका 4 mm आप सेक्शन जो टो पे क्रॉस सेक्शन है उस जगह थिकनेस आपकी 4 mm है तो आपको जो मैक्सिमम साइज यूज करना है वो 3 mm यूज करना है। तो ये थोड़े दो एस्पेक्ट हैं कि फॉर स्क्वायर एज अलग क्रिटेरिया दिया है कोड ने और फॉर राउंड टो मींस जो हमारे रोल्ड स्टील सेक्शन होंगे उनमें हमारी राउंड टो मिलेगा और तब जब वेल्डिंग करोगे तो आपको ये क्रिटेरिया फॉलो करना है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। पर यहां पर स्क्वायर एज के लिए पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर आपका 1.5 mm लेस देन दी मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। यहां ध्यान रखना है कि आपकी जो थिकनेस है मेंबर की उसमें मिनिमम थिकनेस आपको लेना है फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। उसके बाद हमारा यहां पर प्लास्टिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर हमारी स्टैटिक डिटरमिनेसी 2 है तो हमारे नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस जो रिक्वायर्ड होंगे कोलैप्स के लिए वो R+1 हो जाएंगे, मींस 3 प्लास्टिक हिंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिज्म। तो यहां पर हमारे जो मैकेनिज्म में कंसीडर करना है, पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक हिंज है दैट इज फॉर्म्ड एट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस जहां पे हमारी मोमेंट कैपेसिटी चेंज हो रही है यहां पर हमारे चांसेस हैं प्लास्टिक हिंज बनने के लिए। तो पहला केस में हमारा अगर आप वी आर डूइंग इट बाई काइनेमेटिक मेथड, हम इसे काइनेमेटिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं विच इज नोन एज अपर बाउंड थ्योरम एंड वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। तो हमारा पहला प्लास्टिक हिंज यहां बनेगा बिकॉज फिक्स्ड एंड है, मोमेंट कैपेसिटी हमारी एमपी और 2 MP दी हुई है, यहां पर हमारा इस रिस्ट्रेनिंग मोमेंट हमारा 2 MP डेवलप होगा, यहां पे हमारा MP डेवलप होगा और यहां पर बिकॉज जंक्शन में देख रहे हैं तो यहां पे मिनिमम मोमेंट कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारा कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज अगर एक भी मेंबर हमारा कोलैप्स होता है तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर इज ट्रीटेड एज अ कोलैप्स। तो यहां पर ये हम डेल्टा मान लेते हैं तो ये हमारा जो होगा दिस विल बी L/3 एंड यहां से टोटल हमारा ये दूरी जो है ये L/2 दी हुई है। तो एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन को आप इक्वेट करोगे तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारा यहां पे 2 MP θ प्लस MP2 θ MP θ इज इक्वल टू PU × X। अगर इस जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट मान ले लोड के लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा X डिस्प्लेसमेंट है तो X की वैल्यू ज्योमेट्री से इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो हमारी X की वैल्यू आएगी L/3 θ। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा जो अल्टीमेट कोलैप्स लोड आपको मिलेगा दैट विल बी गिवन बाई 15 MP/L। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं कोलैप्स का जहां पर हमारा जो प्लास्टिक हिंज है वो मान रहे हैं अंडर कंसंट्रेटेड लोड के
नीचे हमारा प्लास्टिक हिंज बन रहा है आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर ये मान लेते हैं एक्स है, यहां पर हमारा मोमेंट रोटेशन थीटा प्लस अल्फा होगा बिकॉज यहां पे अनसिमेट्रिकल लोडिंग हो रही है इस केस में, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। पहला प्लास्टिक हिंज यहां बना, 2 MPa रिस्ट्रेनिंग मोमेंट डेवलप हुआ, यहां पर हमारा रिस्ट्रेनिंग मोमेंट 2 MPa होगा बिकॉज इस हिंज के दोनों साइड हमारा जो मोमेंट कैपेसिटी है जस्ट एडजेसेंट वो 2 MPa है, तो यहां पर रिस्ट्रेनिंग मोमेंट हमारा 2 MPa रहेगा और यहां पर हमारा MPa रहेगा। तो एक हमारी जो इक्वेशन बनेगी एक्सटर्नल इंटरनल वर्क डन की, 2 MPa थीटा, 2 MPa थीटा प्लस अल्फा एंड MPa अल्फा इज इक्वल टू जो हमारा इंटर एक्सटर्नल वर्क डन हुआ दैट इज Pu इंटू एक्स विच इज गिवन बाई Pu, दिस इज L बाई थ्री, तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज Pu L बाई थ्री थीटा। अब बाई ज्योमेट्री हमारा जो x थीटा है दैट इज इक्वल टू L बाई थ्री थीटा इज इक्वल टू 2 L बाई थ्री अल्फा, तो आपका जो अल्फा है दैट इज इक्वल थीटा है दैट इज गिवन एज 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो थीटा बाई 3 हो जाएगी। इसको आप वापस इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो जो आपको कोलैप्स लोड मिलेगा दैट विल बी गिवन बाई 16.5 MPa बाई एल। तो आप देखोगे कि जो पहला केस हमने कंसीडर किया था वहां पर हमारा कोलैप्स लोड 15 MPa बाई एल मिला था, तो ये हमारा मिनिमम लोड है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो दिस विल करस्पॉन्ड टू द प्लास्टिक फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट एट विच विंड फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग व्हीकल ऑन अ ब्रिज डेक। तो यहां पर मैंने एक ब्रिज डेक दिखाया हुआ है, तो जो हमारी विंड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो जो हमारा प्रेशर होता है एट अ पर्टिकुलर हाइट IS 875 कोड में, हमारा जो विंड बेस विंड प्रेशर है डिपेंड्स अपॉन कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस जोन में एक्ट कर रहा है। तो ब्रिज कोड के हिसाब से हमारे जो विंड जोन्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक तो नॉर्मल जोन है और एक दूसरा हमारा कोस्टल जोन है एज पर ब्रिज कोड। जो IS 875 में जाएंगे तो आपका जो विंड जोन्स हैं वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएटेड है उसके बेसिस पे हम ये डिज़ाइन विंड बेस प्रेशर लेते हैं। तो जब हमारी विंड्स चल रही होंगी और हमारे ये व्हीकल्स जब चल रहे होंगे तो जो विंड फोर्स हमें कंसीडर करनी है अपनी डिज़ाइन में, सपोज दिस इज द व्हीकल एंड दिस इज द ब्रिज डेक, जो आपका ये सरफेस दिख रहा है इसे हम ब्रिज डेक बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिज डेक के ऊपर जो हमारा व्हीकल है उस पर हम जब विंड फोर्सेस डिजाइन में लेते हैं तो ये मानते हैं जो विंड फोर्स हमारी एक्ट कर रही है दैट इज एक्टिंग एट अ हाइट 1.5 मीटर अबव द जो हमारा ब्रिज डेक का सरफेस है, ठीक है। अगर हमारा जो मूविंग लोड्स हैं, दीज आर द मूविंग लोड्स, जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं ये हमारे मूविंग लोड्स हैं विच आर लाइव लोड्स, तो इसमें ये मानते हैं कि अगर हमारा ऑर्डिनरी ब्रिज है, जो ऑर्डिनरी हाईवे ब्रिजेस हैं, एक्चुअली हम हाईवे ब्रिजेस मान लेते हैं, तो ऑर्डिनरी हाईवे ब्रिजेस के केस में ये जो फोर्स है ये मानते हैं दैट इज टेकन एज 3 kN पर मीटर ऑफ स्पैन लेंथ, ठीक है। और अगर हमारी जो विंड वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 130 kmph, तो हम अपनी डिजाइनिंग में ब्रिज डेक के ऊपर कोई भी लाइव लोड कंसीडर नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जब विंड 130 kmph से ज़्यादा है तो हम अपनी डिजाइनिंग में कोई लाइव लोड कंसीडर नहीं करेंगे ऑन द ब्रिज डेक, ठीक है। और जब कंसीडर करेंगे तो इट इज अज्यूम टू एक्ट एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर अबव द ब्रिज डेक जब हमारा मूविंग व्हीकल्स चल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। और जनरली हमारा जो विंड प्रेशर होता है 130 kmph के करस्पॉन्डिंग हमारा 1.08 kN/m², 1.08 kN/m² की विंड प्रेशर होगी तब हमारा कोई भी लाइव लोड कंसीडर नहीं किया जाएगा ब्रिज डिजाइनिंग के समय एट द ब्रिज डेक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैकिंग फोर्सेस ऑन अ स्टील रेलवे ब्रिज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी रैकिंग फोर्सेस हैं स्टील रेलवे ब्रिज के लिए हमें डिटरमाइन करनी है, तो जो हमारा ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द ड्राइविंग व्हील है ड्यू टू सर्टन एक्सेलरेशन ऑफ द, जब हमारा
ब्रिज पर कोई भी गाड़ी चल रही है उसके एक्सलरेशन की वजह से हमारा ट्रैक्टिव इफेक्ट होता है, ब्रेकिंग इफेक्ट जो होगा ड्यू टू सडन ब्रेकिंग की वजह से होता है, जब व्हीकल चल रहा है इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अगर वो अचानक से ब्रेक मार देता है तो उसमें हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस हैं उसको हम ब्रेकिंग इफेक्ट के टर्म्स में कंसिडर करते हैं, और रजिस्टेंस, ये जो रजिस्टेंस होता है दिस इज द फ्रिक्शनल रजिस्टेंस। तो फ्रिक्शनल रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द बियरिंग टू द मूवमेंट एट द रोलर एंड। तो ये जो हमारे रजिस्टेंट हैं ये फ्रिक्शनल रजिस्टेंस, इन तीनों फोर्सेस को हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस बोलते हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस विच हैव टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइन। और जो हमारा ब्रेकिंग इफेक्ट है कंक्रीट के जो हमारे ब्रिजेस होते हैं वहां पर हम ब्रिज डेक से 1.2 मीटर हाइट पे हम ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कंसीडर करते हैं एक्ट, ठीक है। और जो हमारा रैकिंग फोर्सेस है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं डिटेल में। ये हमारा एक ब्रिज दिखाया हुआ है, प्लेट गर्डर स्टील रेलवे ब्रिज। तो जब भी हमारी ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूवमेंट। तो जब ट्रेन चलती है आप सभी ने उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा बिकॉज ऑफ साइड स्वे ऑफ द जो भी हमारा लोकोमोटिव है या इंजन है एंड जो हमारी स्प्रिंग्स लगी हुई हैं कोचेस के नीचे, उनकी स्टिफनेसेस में डिफरेंस है और हमारे जो ट्रेन मूव कर रही है उसके व्हील और हमारी रेल के बीच में भी गैप रहता है जिसकी वजह से देयर इज अ साइनोसोइडल मोशन। उसकी वजह से हमारा जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है, दिस इज अ लेटरल मूवमेंट ऑफ ट्रेन या लोकोमोटिव जिसकी वजह से एक रैकिंग फोर्स, एक लेटरल फोर्सेस जनरेट होती हैं हमारे स्ट्रक्चर में विच आर नोन एज रैकिंग फोर्सेस। ये विंड फोर्सेस नहीं होती, दीज आर ड्यू टू सम फैक्टर्स इन द ट्रेन ड्यू टू साइड स्विंग या साइड स्वे ऑफ द लोकोमोटिव्स या हमारी जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं लोकोमोटिव में उसकी वजह से जो साइड स्विंग जनरेट, लेटरल मूवमेंट जनरेट हो रहा है और लेटरल फोर्सेस इंड्यूस हो रही हैं हमारी स्ट्रक्चर में, उन्हें हम रैकिंग फोर्सेस बोलते हैं एंड दे आर डिजाइंड फॉर दिस लेटरल ब्रेसिंग्स ओनली। जो हमारे मेन कॉर्ड मेंबर्स हैं, सपोज ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर, दीज मेंबर्स आर द मेन कॉर्ड मेंबर्स। तो जो मेन कॉर्ड मेंबर्स हैं रैकिंग फोर्स के लिए डिजाइंड नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। केवल जो हमारी लेटरल ब्रेसिंग्स हैं, हम बिकॉज लेटरल ब्रेसिंग्स को ये अज्यूम करते हैं कि जो लेटरल फोर्सेस हमारी जनरेट हो रही हैं ड्यू टू रैकिंग फोर्सेस दे आर टेकन केयर बाय लेटरल ब्रेसिंग्स। तो लेटरल ब्रेसिंग्स के लिए जो हमारी लेटरल ब्रेसिंग्स हैं उनको हम इस रैकिंग फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। और जनरली हमारी स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि जब रैकिंग फोर्स को आपको कंसीडर करना है दे आर जनरली टेकन एज 5.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्पैन लेंथ। अगर हमारा ब्रिज का लेंथ 10 मीटर है तो उसके अकॉर्डिंग 58.8 किलो न्यूटन फोर्स हम लेंगे इन द लेटरल डायरेक्शन। और अगर हमारा जो स्पैन है लेस देन 20 मीटर है तो आप विंड लोड और रैकिंग फोर्सेस को एक साथ कंसीडर कर सकते हो डिजाइन में एंड दिस इज टेकन एज 8.82 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ द स्पैन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द लेटरल मूवमेंट जो कि विंड फोर्सेस से अलग होगी, बट जो लेटरल ब्रेसिंग्स जिनके लिए हमें रैकिंग फोर्सेस को डिजाइन करना है स्टील ब्रिजेस में फॉर ट्रांसफरिंग द लेटरल फोर्सेस ड्यू टू रैकिंग एक्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा लेटरल मूवमेंट ऑफ ट्रेन व्हेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं पुराने वीडियोस में, जो कंपोजिट स्टील बीम, यहां पर मैंने एक प्लेट गर्डर दिखाया हुआ है जो कि हमारा स्टील बीम कहलाएगी, और हमारा जो आरसीसी स्लैब फ्लोर कंस्ट्रक्शन है उसमें हम शियर कनेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द शियर कनेक्टर्स टू हैव अ कंपोजिट एक्शन, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो ये हमारा शियर स्टड कनेक्टर है कि जब हमारा कंपोजिट हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो जो इंटरफेस होता है उसके इंटरफेस पे हमारी शियर फोर्सेस जनरेट होती हैं, उनको एडिक्वेटली ट्रांसफर करने के लिए यहां पर हम शियर कनेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली हमारे बिहेव करेंगी एंड दे विल नॉट
एक्ट प्रॉपरली। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टील गर्डर्स हैं सिंगल ट्रैक स्पैन के लिए, मीटर गेज और बॉर्ड गेज के लिए हमारा इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो इंपैक्ट फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा डायनेमिक एक्शन होता है दैट इज ड्यू टू लाइव लोड्स, उस इंपैक्ट को अकाउंट करने के लिए हम इंपैक्ट अलाउंस देते हैं। उसमें करते क्या है, जो भी हमारे लाइव लोड्स की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं या ऑगुमेंट कर लेते हैं बाय दिस आर्बिट्ररी फैक्टर। इस आर्बिट्ररी फैक्टर को हम इंपैक्ट फैक्टर बोलेंगे या हम CDA बोलते हैं, विच इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ डायनेमिक ऑगुमेंट। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि हमारा कोफिशियंट ऑफ डायनेमिक ऑगुमेंट क्या है, तो वो सेम फैक्टर वही है जो हमारा इंपैक्ट फैक्टर है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज में लिखते हैं या हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं। और ये हमारा लाइव लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस होंगी उनसे मल्टीप्लाई करके उतनी वैल्यू हम लाइव लोड स्ट्रेसेस की बढ़ा लेते हैं डिजाइनिंग में, फॉर डिजाइनिंग पर्पस। तो जो हमारे कंक्रीट के ब्रिज कोड हैं, अगर हमारा कंक्रीट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंक्रीट के ब्रिज में हमारा इस स्पैन के लिए हमारा इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा, तो क्लास ए और बी लोडिंग के लिए हमारा जो इंपैक्ट फैक्टर होता है कंक्रीट ब्रिज में हमारा 4.5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एल होता है, जो हमारा स्पैन होता है दैट इज 3 to 45 meters। इसकी वैलिडिटी इस फॉर्मूले की, बट यहां पर हमारा रेलवे ब्रिज पूछ रहा है, स्टील गर्डर ब्रिज पूछ रहा है, तो स्टील ब्रिजेस के लिए, स्टील गर्डर्स के लिए हमारा जो इंपैक्ट फैक्टर है दैट इज गिवन एज फॉर सिंगल ट्रैक स्पैन 0.5 प्लस 8 अपॉन 6 प्लस एल। यहां पर आप एल की वैल्यू जो 6 मीटर रखोगे, यहां पे एल इज द लोडेड स्पैन विच इज कंसीडर्ड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू इंपैक्ट एक्शन। ठीक है, तो आप यहां पे L इक्वल टू 6 मीटर रखोगे तो इंपैक्ट फैक्टर आपको मिलेगा 0.82, बट यहां पर कोई भी ऑप्शन इसे मैच नहीं कर रहा, तो आपको नियरेस्ट ऑप्शन जो देखना होगा वो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 0.75 होगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1.0, मीन्स एक से ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू आपको नहीं लेनी है डिजाइन में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारा स्टील ब्रिजेस के लिए सिंगल ट्रैक स्पैन में इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द कनेक्शन बिटवीन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, जो हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है दिस इज द RCC स्लैब, एंड RSJ ऑन विच द स्लैब इज रेस्टिंग आर डिजाइंड फॉर। तो RSJ का मतलब है हमारा रोल्ड स्टील ज्वाइस्ट, इसका मतलब होता है हमारा दिस इज अ आई बीम सेक्शन, जो कि जनरली हम यूज करते हैं अपनी स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में, आई बीम सेक्शन होता है जिसको हम RSJ बोलते हैं। तो दीज आर डिजाइंड फॉर शियर फोर्सेस, जो हमारा कंपोजिट एक्शन है उसमें जो कनेक्शन इन दोनों के बीच का वो हमारा डिजाइन किया जाता है शियर फोर्सेस के लिए। अगर हम इसको नहीं डिजाइन करेंगे तो ये दोनों मेंबर जो RCC है और जो हमारा स्टील गर्डर है या स्टील बीम है, ये हमारे इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा, तो हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम है वो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम का आप देख रहे हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है दोनों मेंबर्स। यहाँ पे शियर स्ट्रेस डायग्राम भी हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली ना बिहेव होने के कारण हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। बट कंपोजिट एक्शंस में इसको जो बिहेवियर है, इसको कंपोजिट जो हमारा जंक्शन है, दोनों इंटरफेस है, उसको कंपोजिट एक्शन के लिए यहाँ पर जो हमारी शियर फोर्सेज होंगी इंटरफेस पर, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ द लाइव लोड मोबिलाइज होंगी, उसके लिए हम डिजाइन करते हैं। तो दीज आर द फोर्सेस, शियर स्ट्रेसेस जो कि हमारा इंटरफेस पे डेवलप हो रही हैं, जिसके लिए हमें कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में डिजाइन करना है, सो दैट स्ट्रक्चर बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर स्पैन दिया है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर का मतलब हमारा एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हमारा सिंपली सपोर्टेड है, और कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन इज एक्टिंग, मतलब सेंटर पे हमारा लोड एक्ट कर रहा है, और PMP इज द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो MP के करस्पॉन्डिंग हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी बेंडिंग बीम की, वो हमारी अल्टीमेट कोलैप्स लोड PU होगी। तो हमारा दिस PU की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वी विल यूज द काइनेमेटिक मेथड ऑफ
कोलैप्स, तो हमारा स्टैटिक डिटर्मिनेसी यहाँ पे 1 होगी। तो हमारे नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस आपको रिक्वायर्ड है आर प्लस 1 टू फॉर्म मैकेनिज्म। तो हमारे दो प्लास्टिक हिंजेस हमें चाहिए जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। तो अगर आप इसका कोलैप्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पहला बेंडिंग मोमेंट, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहला हमारा प्लास्टिक हिंज यहाँ बनेगा। उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा यहाँ पर जो भी मोमेंट होगा दैट विल रीच टू प्लास्टिक मोमेंट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट। तो एमपी यहाँ पर बनेगा, इस जगह पर हमारा जो मोमेंट कैपेसिटी है वो जीरो है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जीरो होने की वजह से प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, बट देयर विल बी रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी द कोलैप्स लोड, दिस विल बी डेल्टा एंड दिस विल बी एमपी एंड दिस विल बी द इंटरनल मोमेंट एमपी। तो हमारा एमपी थीटा प्लस 2 एमपी इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू पी यू इंटू एल बाई 2 थीटा। यहाँ पे सॉरी, ये हमारा एम पी होगा ना, सिर्फ एम पी इंटू 2 थीटा, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म मोमेंट कैपेसिटी है। तो आप देखोगे हमारा पी यू जो आएगा वो 6 एम पी बाई एल आएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।